HTML ट्यूटोरियल के अंतर्गत आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बुक मार्क्स क्या है और बुक मार्क को क्रिएट कैसे करते हैं। डेमो के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बुक मार्क का उपयोग करके एक पेज को क्रिएट किया है। यहाँ पर लिखा मैंने व्हाट इज पाइथन। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं इस पूरी पैराग्राफ में जहाँ पर पाइथन था वहाँ पर जंप कर चुका है। इसी तरह हमें जंप टू चैप्टर 14 पर जाना है। मैं जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं चैप्टर 14 पर मैं जंप कर चुका हूँ। तो बुक मार्क का उपयोग करके आप किसी भी एक पैराग्राफ हेडर पर जंप करना चाहते हैं बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको उपयोग हम कैसे करते हैं। समझाने के लिए HTML की फोल्डर को मैं ओपन विद कोड में करता हूं, और कोड में ओपन होने के बाद HTML के हमारे पास जो फोल्डर है आप देख सकते हैं यहां पर एक क्लिक करूंगा और लिख देता हूँ क्रिएट बुक मार्क .html। इमेज के माध्यम से HTML की बेसिक कोड को इंसर्ट करता हूँ और बॉडी के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले मैं एक H1 ओके और यहाँ लिख दिया चैप्टर, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर ओके और इसका नाम मैं दे दूंगा चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6 ओके। और सिर्फ इसके बाद दो चैप्टर और मैं क्रिएट कर लेता हूँ, 7 और 8। सेव किया मैंने इसको। अब चलते हैं हमारे फोल्डर के अंदर। जो हमारी फोल्डर था आप देख सकते हैं, जो HTML फोल्डर थी इसे मैंने ओपन किया और यहाँ पर मैं मिल जाता है क्रिएट बुक मार्क जो मैंने अभी फाइल क्रिएट किया था। इसे दो बार मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस प्रकार की चैप्टर है। अब इस चैप्टर के अंतर्गत एक पैराग्राफ मैं इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पर एक मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ ओके, और पैराग्राफ में मैं एक डिफॉल्ट टाइप कर देता हूँ कोड ओके, कुछ इस प्रकार से। अब इस पैराग्राफ को कॉपी करके मैं हर एक हेडर के नीचे डाल देता हूँ। ये मैंने इसलिए किया कि हमारी टाइमिंग बचे, पेस्ट किया और इसके अंतर्गत भी मैं इस पैराग्राफ को पेस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से आपके किसी भी कोई सा पैराग्राफ हो सकता है और मैं ऐसे पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी हमारे पास हेडर था उस हेडर के अंदर का देख मैंने पैराग्राफ लिख लिया। अब चल के मैं इसे रिलोड करूँगा तो आप देख सकते कुछ इस प्रकार से हमें डिस्प्ले होता है। अब हमें एक यहाँ पर एक लिंक क्रिएट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ एक लिंक पर तो जिस चैप्टर पर हम जाते हैं वहाँ पर हमारी जंप हो जाए। मान लीजिए मैं चैप्टर 6 पर जंप करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पर गया, हमारी जो बॉडी थी एंटर करना है, यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप करना है, पैराग्राफ के अंदर एक एंकर टैग लेना है। एंकर टैग के अंदर मैं जैसे लिखता हूँ जंप टू चैप्टर 6, सेव किया। और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं एंकर टैग जो हमारी है, इस एंकर टैग के अंतर्गत ये चार ये हमें टाइप करना होता है और यहाँ पर हैच की प्रेस करके हमें लिख देना है चैप्टर 6। अब मैंने यहाँ पर जो चैप्टर 6 लिखा है सिर्फ इसको मैं कॉपी करूँगा कॉपी, और चैप्टर 6 जहाँ हमारे पर है यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर 6 है, इसके हेडर सेक्शन के अंतर्गत यानी H1 जो है सिंपल आएंगे, एक ID टाइप करेंगे और ID के अंतर्गत मैं पेस्ट कर दूंगा चैप्टर 6। अब सेव करूंगा, सेव करने के बाद मैं चलता हूँ अपने इस पेज की तरफ। जैसे मैं रिलोड करूंगा तो आप देख सकते हैं जंप टू चैप्टर 6 यहाँ पर एक पैराग्राफ हमें डिस्प्ले हो रहा है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारे पास जो चैप्टर 6 था यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा है। क्या एक बार देखते हैं, हमने यहाँ लिखा है चैप्टर 6 और चैप्टर 6 ID में आते हैं तो देखिए हमारे यहाँ पर चैप्टर 6 पर हमारी डिस्प्ले होने लगी। इसी प्रकार से अगर मैं चैप्टर 8 पे जाना चाहता हूँ, मैं इसको कॉपी किया और पेस्ट किया, यहाँ पर चैप्टर 8 टाइप करूँगा और सिंपल इसको कॉपी करके आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे पास चैप्टर 8 है ID टाइप करेंगे, ID के अंदर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद सेव में जैसे करूँगा, सेव करने के बाद अपनी पेज की तरफ आते हैं
रिलोड करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें जम्प टू सिक्स मिला है। इसका नाम मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ऊपर एट कर देता हूँ, और जैसे रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं एट आ चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारी जो चैप्टर एट थी यहाँ पर हमारी जो फ्रेम थी विंडो थी उसमें डिस्प्ले होने लगी है। अभी हम थे कुछ इस प्रकार से चैप्टर सिक्स पे जाएंगे तो अभी देख सकते हैं हमारी जिस फ्रेम में चैप्टर सिक्स हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए चैप्टर सिक्स हमारी डिस्प्ले होने लगी है। इसी प्रकार से जंप टू चैप्टर एट पर करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिए हम एट पर आ चुके हैं। अब इसी को हम एक अच्छी तरीके से उपयोग करना है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास चैप्टर फाइव है, अगर मैं इसका नाम दे दूँगा टीच पाइथन, अब मुझे इस वाले हेडर सेक्शन पर डिस्प्ले कराना हो मैं सिंपल यहाँ पर टाइप करूँगा, इसको पेस्ट किया, मैंने यहाँ लिखा व्हाट इज पाइथन, सेव किया, और व्हाट इज पाइथन जो है हमारी चैप्टर फाइव की जगह मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन। ओके, पाइथन को मैंने कॉपी किया तो आप देख सकते हैं हमारी पाइथन जो है यहाँ पर है। मैं एक आईडी दूंगा और पाइथन को पेस्ट कर दूंगा, सेव किया, अपनी पेज की तरफ चल के रिलोड करते हैं तो आप देखिए व्हाट इज पाइथन आ चुका है। जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए हमारी व्हाट इज पाइथन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से आप बुकमार्क का उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो और आप समझ चुके होंगे कि HTML में बुकमार्क्स का उपयोग हम कैसे करते हैं।